अपने काम पर नहीं जाऊंगी दादी। क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगी? यशोदा माँ, कॉफी दोगी क्या मुझे? हाँ देती हूँ। शक्कर अच्छे से डालना कॉफी में, कम नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, डाल दूंगी। बेकार की किताबें क्यों पढ़ती हो, अच्छी किताबें पढ़ा करो। अच्छी किताब कहाँ मिलती है दादी अब? वहाँ पे तो पुरानी किताबें हैं। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो पढ़कर मैं सुना दूंगी, सुनोगी ना? ठीक है। पिताजी ने मुझे बताया था आप जब सर्विस में थी तो आपने ही किताबें लिखी थी। ये वाली क्या? तो फिर ये तो जरूर होगी। ये लिखी है क्या आपने? ये होगी दादी। कौन सी किताब है? तुम्हारे अंदर जली आग को थोड़ा बर्दाश्त करो, वो अपने घाव से अंदर ही अंदर तड़प रहा है। अपने अंदर के अंधेरे को खत्म कर दो, अपने मन की गंदगी को निकाल फेंको। तलवार की वार से बचकर तुम फूलों से जख्मी मत होना। समुंदर के लहरों से बचकर तुम अपने दुख दर्द के आंसुओं में मत डूब जाना। पल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गया। निकलो। ले आ, मैं पढ़ती हूँ। रहम बुरे लोगों के लिए नहीं, क्षमा मूर्खों के लिए नहीं, तुम प्रलय के लिए बनाए हुए हथियार हो। शिकारी की नजर में तुम एक खूंखार जानवर हो। कसाई के हाथ का छुरा बनो, सीना चीरने वाला दहाड़ बनो, मृत्यु का साधन बनो। दुष्टों के लिए मौत ही आखिरी फैसला है। ये लीजिए दादी, पढ़ के सुनाइए। दादी, इस स्टोरी का नाम क्या है?
इस तरह गली गली नाच के कब तक जिंदगी का गुजारा करेगी तू? मेरे साथ आजा, तुझे रानी बना के रखूंगा। भाई हमें जाने दो। ए! इससे पहले कि मेरा आदमी तुम सबको गाड़ी में डाल दे, तू मेरी बात मान जा। चल सबको अंदर कर। कितने आदमी हैं? 4 लोग हैं। ध्यान रखना, अगली बार ज्यादा लोग चाहिए। ये ले। जी नमस्ते। 5 लोग हैं भाई। 1, 2, 3। अगली बार औरतें ज्यादा चाहिए। बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है, ये सिर्फ कहने की ही बात है। इस कलयुग में पापियों का ही भला होता है। ए, हाँ। भाई इसके पेट में बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है क्या? तुम तो मेरी माँ के पास ले जाने वाले थे, यहाँ क्यों लाए हो? सुनो सुनो सुनो, तुम्हें गोद भराई रसम के लिए ले जा रहे हैं। जाओ भाई, इसको काम पे रख लो और मुझे कुछ पैसे, मुझे पैसे दे दो, मैं जाऊँ। गाड़ी में बैठा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मजदूरी के काम पे मत भेजिए। ए बेवड़े, किसी को जबरदस्ती मजदूरी करवाना ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। तुझे अगर पैसे चाहिए तो पहले अपनी पत्नी को मना। तुम मानेंगे कि नहीं? तुम लोग कितने गिरे हुए लोग हैं, इंसानों का धंधा करते हो। वो गिरी साहब के अन्याय को रोकने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। अरे अरे, तुम मत गलत समझना, मैं तो अपने गांव के मर्दों के बारे में बोल रही हूँ। तुम तो बाहर गांव से आए हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल सकती, तुम मुझे गलत मत समझना। पता नहीं वो गिरी साहब को कौन मारेगा। 10 साल पहले बिल्डिंग के काम के लिए बोलकर लोगों से गलत काम करवाया उसने, उसकी नीयत ही गलत है। वो 2-4 गुंडे अपने पास रखता है और फिर 5 पैसे 10 पैसे के लिए इंसानों को खरीद कर उसे दूसरे किसी जगह पर बेच देता है, और इस तरह उसने बहुत सारे पैसे कमाए। आज वो ऐशो आराम से रहता है, यहाँ तक कि उसने कानून को भी खरीदा है।